हेलो दोस्तों, मैं निकेत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस नए चैनल में जिसका नाम है ज्ञान बुक, ज्ञान की बात। तो पिछली दो वीडियोस में हमने कंप्यूटर स्टार्ट करना और ये पेंट के बारे में, कंप्यूटर में पेंट सॉफ्टवेयर चलाना, उसके बारे में हमने थोड़ा सा सीखा था। और आज की मैं वीडियो में एक थोड़ा नई चीज़ करने जा रहा हूँ, जैसा कि मेरा चैनल है कि जिसमें मैंने कहा था कि मैं मोबाइल यूज़र्स और कंप्यूटर यूज़र्स दोनों में जो डिजिटल चीज़ें हैं उनको बताऊंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, आज मैं एक मोबाइल भी आपको दिखाऊंगा इस ओपन करना। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करना मैंने बताया था आपको, वैसे ही आज मैं मोबाइल स्टार्ट करना बताऊंगा। मतलब स्टार्ट मतलब नया मोबाइल मैंने लिया है, ये एक कोइंसिडेंस की बात है कि मैंने एक नया मोबाइल भी लिया है जिसको मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बताऊंगा। तो देखते हैं कैसे नया मोबाइल स्टार्ट किया जाता है। ये दोस्तों मेरे पास एक मोबाइल है, रेडमी का 6A, और ये एक छोटी सी सिम भी है जो एयरटेल की है, और मैंने ये अपने पुराने वाले फ़ोन से निकाली है क्योंकि सिम भी होना ज़रूरी है, बिना सिम के फ़ोन स्टार्ट करके दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये देखिए, अभी आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये एयरटेल की सिम। एयरटेल थोड़ा सीधा रखना चाहिए इसको, ये एयरटेल की सिम है और ये है 6A रेडमी का फ़ोन। अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा इसकी। ये देखिए रेडमी 6A, रेडमी वालों की एक खास बात है या बुरी बात भी आप लोग कह सकते हैं, ये लोग अपने फ़ोन के साथ कुछ खास चीज़ें नहीं देते हैं, जैसे कि एक टेम्पर्ड ग्लास भी या कवर, कुछ भी नहीं। लेकिन फ़ोन में जो क्वालिटी देते हैं वो तो आप सबको पता ही है कि रेडमी की क्वालिटी क्या होती है। तो इसमें जैसे कि मुझे सिम लगानी है तो ये इसके दो स्लॉट हैं, इसमें मैं अभी पिन से निकालूंगा तभी सिम लगेगी, और जिसके लिए शायद मुझे अपना ये मोबाइल कहीं रखना पड़ेगा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से अपना मोबाइल रखूं कि आपको सही से वीडियो नजर आए। तो इस बॉक्स में एक पिन भी होगी जिससे कि मैं ये सिम चेंज करूंगा। देखिए बॉक्स में क्या क्या है, एक चार्जर है, एक केबल है, मतलब डाटा केबल में भी के लिए काम करेगी और चार्जिंग के लिए भी काम करेगी। तो ये केबल मैं निकालता हूँ पहले, और ये पिन है, पिन को भी मैं निकालता हूँ। देखिए पिन, इसको ही निकालते हैं हम लोग, चार्जर निकाला मैंने, और ये पिन निकाल लिया। पिन और चार्जर निकल चुका है, अब मुझे बस इसमें सिम लगानी है और स्टार्ट करनी है। चार्जर का भी कोई खास काम नहीं है क्योंकि नया फोन आता है तो थोड़ी बहुत बैटरी उसमें पहले से ही रहती है। तो मैं ये देखिए, ये इसकी पिन है, मैं इसमें पिन डालता हूँ, हल्का सा मैंने दबाया, ये सिम का स्लॉट बाहर आया। ये देखिए सिम का स्लॉट जो है धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, स्लॉट काफी तेजी में बाहर आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये है वो सिम का स्लॉट जो इस में से बाहर आया है। अब इसमें मुझे सिम लगानी है, और ये नीचे गिर गया था इसलिए मेरे को वीडियो दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि अब इसमें मैं सिम लगाऊंगा। देखते हैं, इसमें एक्चुअली में इसमें निशान बना हुआ होता है, देखिए जैसे सिम कटी हुई है, इसमें माइक्रो सिम लगेगी
और इसमें भी उसी तरफ से निशान बना हुआ है। ये जो स्लॉट है इसमें हम मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं या सिम भी लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ हम सिम लगाएंगे, तो इसमें देखते हैं कैसे सिम लगती है। इसमें इसमें सिम लगेगी आपकी स्लॉट 1 और 2। इसमें वन और टू कहाँ लगेगी, शायद इसमें यहाँ लगेगी, इसमें लगेगी यहाँ पे सिम 1। सिम 1 यहाँ पे लगेगी शायद। इस तरफ लगेगी। माइक्रो सिम लगेगी इसमें शायद, ये इतनी छोटी सिम नहीं है, ये तो आज गड़बड़ हो गई है, सिम काम की है नहीं। ये हमें दोबारा इसमें लगाना पड़ेगा और इसका हमें हम दूसरा स्लॉट ट्राई करते हैं। ये स्लॉट हो गया, एक इसका दूसरा भी स्लॉट है, उसमें हम ट्राई करते हैं, क्या पता लग जाए। ये देखिए ये नीचे वाला स्लॉट है, इसको मैं आराम से निकालूंगा नहीं तो इसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए ये नीचे वाला स्लॉट है, ये निकल चुका है। अब इसमें देखता हूँ मैं कि सिम लगती है कि नहीं लगती है। ये लगनी तो चाहिए, नैनो सिम। इसमें सिम लग गई है, थोड़ा अजीब है लेकिन लग गई है। शायद शायद इसमें सिम लग गई है। ये देखिए इसमें सिम लग गई है। अब इसको हम आराम से डाल सकते हैं। इस स्लॉट था, इसमें हमने सिम लगाई, इसको हम शायद ऐसे ऐसे नहीं लगेगी, इस तरफ से लगेगी। या ये फोन भी हम ऐसे कर सकते हैं, फोन जो है फोन को ही हम यस यस ये ऐसे लगेगी। ये देखिए एयरटेल जो लिखा हुआ है ये स्क्रीन की तरफ है और ऐसे लगेगी। सिम लग चुकी है, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हमने दबा दिया है, अब इसमें देखिए लाइट वगैरह जलेगी, स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसका देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। ये ऊपर से जो लगा हुआ ये स्क्रीन है, इसको हटा भी सकता हूँ लेकिन अभी मैंने इस पर टेम्पर नहीं लगवाया, इसलिए जब टेम्पर लग जाएगा लगाना होगा तभी मैं इसको हटाऊंगा, नहीं तो बस इस पर स्क्रैच ज़्यादा आते नहीं है। ये देखिए स्टार्ट हो गया रेडमी। इसमें जस्ट अ सेकेंड, MIUI 10। नेक्स्ट रुकिए, एक्चुअली आपको ठीक से दिखेगा नहीं इसकी वजह से, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटाना ही पड़ेगा। चलिए इसको हटेगा कहाँ से, ये
के लिए स्टॉप करता हूँ, मतलब आप लोगों को तो नहीं बतलाएगा, अभी देखता हूँ इसमें क्या। एक ये पतली सी परत थी जिसको मैं हटा रहा हूँ, ये पतली सी परत रेडमी 6A, और इसकी इसी की मदद से मैंने इसको भी हटाया है, और ये परत अब हट रही है। अभी देखिए जो भी फालतू की चीज़ लिखी थी वो इस स्क्रीन पे लिखी थी। ये देखिए 3000 mAh की बैटरी, हेलो क्वाड कोर प्रोसेसर, और 3.8 इंच, मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर, लगभग 13.8 सेंटीमीटर, लगभग 4.45 डिस्प्ले, मतलब 5.5 इंच की डिस्प्ले। अब ये हो गया स्टार्ट MIUI 10। अब हम ये देखिए ये इस निशान बना हुआ है आगे बढ़ने के लिए, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए अब इसमें लैंग्वेज लैंग्वेज दोस्तों, आप चाहे तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी, और वो आपके ऊपर है। और क्योंकि हम इंडिया के हैं तो हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई, ये तीर का निशान बन गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। ओके हो गई हमारी इंग्लिश इंडिया की लैंग्वेज। नया फोन ही दिक्कत कर रहा है। ओ सॉरी, ये इस निशान सिर्फ इसलिए था कि ये दिखाने के लिए कि हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया। एक्चुअली ये आगे से ये निशान है आगे बढ़ने का। देखिए ये आगे बढ़ गया है। अब आ गया इंडिया, हम इंडिया स्टेट में रहते हैं, ठीक है। यहाँ टिक हो रखा है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए सेटिंग रीजन इंडिया हो गया, ये सेटिंग्स ले रहा है, सेटिंग अभी हो जाएगी इसमें थोड़ी देर में। ये देखिए सेट हो गया, कनेक्ट टू ए नेटवर्क, टीपी लिंक, जियो लिंक, मनीष टेलीकॉम सेंटर टंडा। इसमें मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, रुकिए मेरा नेटवर्क भी आएगा। वैसे ये चीज चाहे तो हम स्किप भी कर सकते हैं, देखिए स्किप, लेकिन क्योंकि मुझे पुरानी सिम से इसमें से मत पुरानी सिम में से ही जो कॉन्टैक्ट वगैरह हैं वो इंपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए एक नेटवर्क होना ज़रूरी है, मतलब एक वाईफाई नेटवर्क से अगर ये कनेक्ट होगा तो ये फ़ोन जल्दी स्टार्ट होगा, और काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पुराने फ़ोन का भी बैकअप इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमने वही सिम लगाई है पुराने फ़ोन की। तो अगर आपके पास नहीं है कोई नेटवर्क कनेक्शन में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए स्किप का बटन है तो आगे बढ़ जाएगा, और क्योंकि मेरे पास है नेटवर्क तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा, वाईफाई है मेरे पास। तो अभी देखिए अब इसमें अभी आएगा वाईफाई का ऑप्शन, वाईफाई मेरा चालू हो गया है। ये देखिए वाईफाई देखिए चालू हो गया है, अभी इसका ऑप्शन आएगा इसमें तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये है आ गया, देखिए टंडा 6FA180, ये मेरा वाईफाई है, ऑप्शन आ गया है। इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड है इसका तो मैं पासवर्ड डाल चुका हूँ। कनेक्ट पे क्लिक होगा, कनेक्ट ऑब्टेनिंग एड्रेस कनेक्टेड हो गया, कनेक्टेड। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ पॉलिसी, ये चीज़ें, यू आर प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, रीड योर टर्म्स एंड सर्विस पॉलिसी, हमारी प्राइवेसी रेडमी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है अच्छी बात है। जस्ट अ सेकेंड कह रहा है, एक सेकेंड रुकिए, चेकिंग फॉर अपडेट्स, देख रहा है क्या कोई अपडेट तो नहीं आया है। दिस मेक ए मिनट और 2 मिनट, ये हो गया। कॉपी एप्स एंड डाटा, सेटअप ए न्यू, गेट फ्रेश, पता नहीं ये शायद इसलिए कह रहा है जैसे पिछले फ़ोन से अगर हमें डाटा और चीज़ें कॉपी करनी हो ऐप्स वगैरह तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और अगर नया फ्रेश फ़ोन स्टार्ट करना हो
इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। बैकअप फोन, एंड्रॉयड फ़ोन, क्लाउड, आईफोन डिवाइस, बैकअप। बैकअप में अगर हम वो शायद जीमेल आईडी डालेंगे तो वो कुछ नंबर्स हैं जो इसमें आ जाएंगे। चेकिंग और न्यू ईयर द ऑर्डर डिवाइस ओपन द गूगल ऐप। नेक्स्ट गूगल, ओके गूगल सेटिंग, रेडमी 6A वेरीफाइड डिवाइस, लुक द नेम ऑफ अदर डिवाइस, रेडमी 6A। एक्चुअली मैंने 6A तो कोई खरीदा नहीं था, तो ये कहाँ से आ रहा है शायद। जी अच्छा, इसमें बैक ऑप्शन है, बैक कर दिया मैंने, ये फिर से बैक किया, ये बैक किया और बैक किया। एक काम करते हैं, इसको नए फ़ोन की तरह स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, चेकिंग इन्फो। और जैसा आप लोग स्टार्ट करेंगे वैसा ही अब ये एक नया फ़ोन की तरह स्टार्ट होगा। तो एक ईमेल आईडी मांगेगा, एक पासवर्ड मांगेगा। तो ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी भी एक ऐसी चीज़ है जो आप कंप्यूटर में भी बना सकते हैं और फ़ोन में भी बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ईमेल आईडी भी बनाना सिखा देता हूँ, क्योंकि कई लोग इसी के लिए 10-20 रुपए कैफे वालों को दे के आते हैं ईमेल आईडी बनाने के लिए। तो वैसे तो मुझे ईमेल एक पता है, लेकिन अब इसमें मांग रहा है तो नया फ़ोन जो भी ख़रीदता है तो ईमेल आईडी भी बनाई जाती है। ये देखिए, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, माई सेल्फ फॉर चाइल्ड, मेरे लिए माई सेल्फ अकाउंट क्लिक होगा, उसका नाम फर्स्ट, जैसे कि ये मेरी वाइफ के नाम पे फ़ोन है तो उसी का नाम डालूँगा मैं। इसमें हम ABCD भी कुछ भी डाल सकते हैं, हमने चालुक्य डाल दिया है बस, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ उसकी मुझे पता नहीं है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सही डेट ऑफ बर्थ डालें, इसमें मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकता हूँ। देखिए 11 11 1993 93, जेंडर जेंडर उसी का डालेंगे, रेडर नोट से। इसमें ये भी ऑप्शन आ गया रेडर नोट से, डिसाइड ही नहीं हुआ क्या जेंडर। तो फीमेल पे क्लिक कर दिया, ये जा रही है। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट हो गया। अब वो हमने नाम लिखा था, कुमारी लिख दिया था, अब हम जीमेल एड्रेस लिखेंगे। जीमेल एड्रेस मतलब एड्रेस भी बनाना पड़ा था ना, एक स्पेशल एड्रेस होता है, तो ठीक है उसी के नाम से बनाते हैं। शालू हमने नाम डाल दिया है, ठीक है, कुमारी लगा दिया, कुमारी के लिए हमने सिर्फ के लिखा है। अब हमें एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि जो पहले वही ईमेल एड्रेस ये लेगा जो पहले जिस नाम से ईमेल ना बनी हो। तो इसमें मैं डाल के देखता हूँ कि चालू सोनी टीवी, चालू सोनी टीवी, सॉरी ये नहीं, कुछ बढ़िया देखते हैं इसमें, ये हो गया शालू अनिकेत, जो कि दोस्तों मेरा नाम है शालू अनिकेत, मस्त, ठीक है। ये देखते हैं ये लेता है कि नहीं लेता, आप कुछ भी डाल सकते हैं आप अपना अच्छे से। ये देखिए, अरे वाह, इसने तो कंप्लीट कर लिया, नाम हो गया अच्छा। हाँ, नाम से ज़्यादा आप अगर नाम कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो ये देखिए, इसमें एक ऑप्शन था यूज़ फ़ोन नंबर, नाम की जगह पे अगर आपको मतलब ये सब बनाने में कुछ रेयर सोचने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए सिंपली। ये देखिए, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके फ़ोन नंबर से ईमेल आईडी बन जाएगी, ठीक है, फ़ोन नंबर से ही बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
क्योंकि मेरे को तो सब कुछ पता है और मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, तो मुझे फ़ोन नंबर की बजाय मैं सोचता हूँ कि इस नाम से ही मेल आईडी बना ली जाए। मैं नाम से बना रहा हूँ। नंबर से बनेगी यूज मेल। देखिए, ये पहले जब हम मेल पे थे तो यूज नंबर आता था, अब यूज मेल आ गया। मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो नाम से बन जाएगी। तो आपकी मर्जी है, आप अपने किसी भी प्यारे का नाम लिख सकते हैं। या देखिए, मेल आ गया शालू अनिकेत मस्त, या मस्त लिखें या बिंदास लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही, बाकी पासवर्ड अब डालने की बारी है तो मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड दो जगह डालना रहता है, क्रिएट पासवर्ड में पासवर्ड डालिए, फिर वही पासवर्ड हमें नीचे भी डालना होता है। एटलीस्ट 8 करेक्टर, मतलब कम से कम 8 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, 8 वर्ड लिखने पड़ते हैं, जिनसे पासवर्ड 8 अल्फ़ाबेट लिखने पड़ते हैं। चाहे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखें, या ABCD के इनके 8 अक्षर लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन हमें 8 तो पूरे करने ही पड़ते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8 होने चाहिए। एटलीस्ट 8, मतलब 8 का यही मतलब है। और पासवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें याद रहे, प्लस थोड़ा रेयर होना चाहिए, जो किसी के दिमाग में जल्दी से ना आ पाए, क्योंकि ये ईमेल है, इस पे बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड दोनों पे कर दिया है, और ये मैं इसको ओके कर देता हूँ आगे बढ़ाने के लिए। ये देखिए, तीर का निशान इस तरफ है, तो ये आगे हो गया है। दोस्त पासवर्ड डिडंट मैच, मतलब ऊपर वाले पासवर्ड से नीचे वाला पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे दोबारा डालना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से नीचे वाला पासवर्ड डाला है। अब मैं इधर, तीर का निशान है, इसी तरफ जाना है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्त पासवर्ड डिडंट मैच, दोबारा ये प्रॉब्लम बता रहा है, देखते हैं। मैंने जो अकाउंट बनाया था वो अगर कभी उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको मैं इस अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ, कोई पासवर्ड वगैरह भूलने पे। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये देखिए मैंने इसकी ईमेल आईडी डाल दी है, मुझे इसका पासवर्ड डालना है। तो इसमें MI का अकाउंट बनाएंगे, तो MI पे अगर अलग से अकाउंट बन जाएगा, जो कि ये रेडमी MI है, तो हम जो फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उनके पास भी सेव हो जाती है। फिर हम दूसरे किसी फ़ोन में, जब नया फ़ोन अगर हम चलाते हैं, उसमें यही अकाउंट पासवर्ड डालेंगे, उसमें भी MI से लॉगिन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा है इस फ़ोन में, जो फ़ोटो वगैरह हैं वो उस फ़ोन में भी चली जाएंगी, कॉन्टैक्ट वगैरह हैं जो इस फ़ोन के, वो उस फ़ोन में भी चले जाएंगे। तो MI में अकाउंट बनाने से ये फ़ायदा होता है। MI का है, हम जो दूसरा फ़ोन लेंगे तो उसमें से उसमें डाटा आराम से इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, MI वाले हमें 2 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहले में हम नंबर डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, अगर हमें पहले का याद है, हमने पहले कभी MI अकाउंट बनाया है तो। दूसरे में क्या है, हम अदर वेज टू साइन इन, हम ईमेल डाल के भी साइन इन कर सकते हैं, और या हम नया अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अभी अपना MI अकाउंट की भी ईमेल डाल सकते, पुराना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो MI फ़ोन में चला हो, पासवर्ड अगर आपको याद है तो, या एक नया ईमेल और पासवर्ड डाल सकते हैं, उसे साइन इन कर सकते हैं। तो मैं इसमें अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दूँ, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दिया है, मैं इसको साइन इन कर दिया, मैंने ऐड अकाउंट ऐड हो गया। ठीक है, फाइंड डिवाइस वेरीफाई, ठीक है, अलाउ शो मी एक्टिवेशन, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, जितने भी निशान इधर के होते हैं उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक किया जाता है। ओनली स्क्रीन लॉक, ठीक है, सेट पासवर्ड ओनली स्क्रीन लॉक आएगा, सिर्फ मुझे क्लिक करते जाना है। चूज ए थीम, थीम आ गई, ये चूज करो या ये चूज करो, मैंने डार्क थीम चूज की है। मैं इसको बैक भी कर सकता हूँ, क्लासिक थीम ये है, डार्क थीम ये कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, ये मैंने चूज करी है, इसमें से कोई भी आदमी चूज कर सकता है। आप बताइए दोस्तों, कौन सी थीम ज्यादा अच्छी लगी, ये वाली या ये वाली?
थोड़ी डार्क है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। ये देखिए एक ही में कितने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, टूल्स हैं, ये सब ऊपर ही आ जाते हैं। और इसमें थोड़ा, इसमें भी सेम ही है लगभग, क्लासिक है, डार्क है, डार्क वाली थोड़ी है, तो सब कुछ सेम है। देखते हैं, डार्क वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। डार्क वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्लियर कर देता हूँ। ये थोड़ी लाइट कलर है, थोड़ा प्लीजेंट सा कलर लग रहा है। ठीक, मैं ये डिस्प्ले ऊपर कर देता हूँ। वैसे हम इसमें से कोई सी भी चला सकते हैं। अब ये हमारा मोबाइल शायद स्टार्ट हो चुका है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। हमने ये डिफ़ॉल्ट थीम ये है, क्लासिक थीम ये है, हमने क्लासिक चुनी है। इसमें थोड़ा चीज़ें ठीक से बताई गई हैं, इसमें थोड़ा वैसे है, तो इसको हम आगे कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई हो रही है थीम, ये थीम अप्लाई हो चुकी है। हमने इस निशान पे क्लिक किया था, ये देखिए वही सेटअप हो रहा है। और हमने थीम वाली चुनी है, जो लाइट कलर की थीम थी, थोड़ा प्लेजेंट सा कलर था, हमने वाली चुनी है। आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, MI की यहाँ पे क्लिक कर दिया। रिकमेंडेड ऐप्स ये सब इंस्टॉल नहीं करेंगे हम, ये स्किप करेंगे, ये फालतू के ऐप्स हैं, इसको इंस्टॉल करने में हमारा बहुत बेफालतू, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। फालतू के ऐप्स निशान हम हटा देंगे, नहीं तो ये काम से इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरा वाईफाई ऑन है, इसीलिए ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, ऑप्शन में दे रहा है। ये फिनिश फाइनली। वैसे मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि मैंने वाईफाई ऑन किया था और मैं सारा सेटअप करके आया हूँ। आप चाहो तो ये जल्दी भी स्टार्ट हो सकता है, वाईफाई मत ऑन कीजिए, फटाफट स्किप कीजिए चीज़ों को और जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, कोई इतना टाइम नहीं लगता है। अब ये सिर्फ लोडिंग ऐप्स, मतलब जो इसमें ऐप जो MI ने हमें दिए हैं वो लोड कर रहा है, और थोड़ा टाइम लगता है इसमें लोड होने में। उसके बाद जो हमने क्लासिक वाली थीम चुनी थी तो वही थीम इसमें मतलब आएगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने तो इतना बता दिया है अपनी तरफ से, लगभग हिंदी में ही बोला है। तो हर इंसान जो भी नया फ़ोन ख़रीदता है, ईमेल आईडी बनवाने के 10 रुपये 20 रुपये जो भी कंप्यूटर वाले चार्ज करते हैं वो अपने बचा सकता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ईमेल आईडी फ़ोन में ही बनाना सिखा दिया। अब नया फ़ोन कैसे ऑन करेंगे, सारी चीज़ें कैसे सेटअप करेंगे। ईमेल आईडी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब हम व्हाट्सअप या कोई भी और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो ईमेल आईडी ज़रूर मांगता है नए फ़ोन में, तो इसीलिए ईमेल आईडी बनना बहुत ज़रूरी है। और बिना ईमेल आईडी के एंड्रॉयड फ़ोन का कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ये ऐप्स इसमें लोड ही हो रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम ले रहा है। इसमें 2GB रैम है और 32GB हार्ड डिस्क है। ये 6500 का फ़ोन है और मैंने इसको MI से मंगवाया है, तो अगर ये ज़्यादा टाइम लेता है तो ठीक है। मैं ये वीडियो थोड़ी देर बंद कर देता हूँ, जब ऑन हो जाएगा तभी आपको दिखाऊंगा। अब इसमें और भी कुछ बचा नहीं है, डायरेक्ट अब ऑन ही होगा बस। ये प्रोसेसर शायद 10 यूज़ कर रहा है Oreo, इसको रख देते हैं। ये लोडिंग ऐप्स ले रहा है, लोडिंग ऐप्स ले रहा है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक मैसेज आया, सेटअप कंप्लीट। अब ये अपने सारे ऐप्स वगैरह लेके आएगा, अभी देखो स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए जो हमने क्लासिक डिसेंट सी थीम चुनी थी वही थीम इसमें स्टार्ट हो गई है। ठीक, MI का ऐप स्टोर, MI ने अपना पर्सनल ऐप स्टोर ही बनाया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चीज़ें हम बैक कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास नया फ़ोन स्टार्ट हो गया है। ये बीच का बटन होता है, आपको पता है कि जैसे कोई भी चीज़ हम ओपन करते हैं, कुछ भी हो गया, गूगल ड्राइव है या कुछ भी है, तो उसके बाद वहाँ से जब बैक आना होता है तो हम ये बटन यूज़ करते हैं, ये सब कुछ बंद हो जाए। और अगर हमें पेज देखने हैं, हमने क्या क्या पेज ऑन किए हैं, तो एक पेज ये खुला हुआ है, एक पेज ये खुला हुआ है, दो पेज खुले हुए हैं, दोनों पेज को हम एक साथ काट सकते हैं। तो ठीक है, इस मोबाइल से संबंधित और भी जानकारी, अब ये कैसे चलाना है, क्या करना है, देखिए ईमेल आईडी का ये बेनिफिट होता है। ईमेल आईडी हम बना चुके हैं,
प्ले स्टोर जो हमारा होता है ना, तो यहीं से आपको लोगों को पता है कि हम जो भी ऐड्स व्हाट्सएप वगैरह ऐड करते हैं तो यहीं से डाउनलोड करते हैं। तो वीमेल आईडी हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, देखिए एक शालू यानी कि मस्त वाली ईमेल आईडी बनी है और ये बनी है इसका रिकवरी के लिए जो ईमेल आईडी मैंने डाली है वो ये वाली डाली है अपनी वाली, ये देखिए अनिकेत पांडे 25। ये दो ईमेल आईडी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाली आगे हो जाएगी और यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे इस फोटो पे तो मेरी ये वाली ईमेल आईडी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी इस मोबाइल से रिलेटेड और भी फीचर्स मैं आगे बताऊंगा आपको, जैसे कि मेरा चैनल है ज्ञान की बात, तो कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी और मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ये मेरी वीडियो देख के प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी मेरी वीडियो देख सकें। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो उसकी वजह बताएं और हो सकता है मैं अगली वीडियो में वो वजह दूर करूं। और इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकता हूं, तो हिंदी में अगर मैं बोल रहा हूं तो ज़्यादातर ऐसी वीडियोस गांव वगैरह एरिया में ज़रूर पहुंचनी चाहिए जहाँ पर लोग नया फ़ोन ले लेते हैं। आजकल इंडिया में फ़ोन की बहार आई हुई है, या आप कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन रेवोल्यूशन है, क्योंकि अब नेट भी इतना सस्ता हो गया है तो काफ़ी सारे लोग यही सब देखना चाहते हैं, फ़ोन लेते हैं, यूज़ करते हैं, ऐप्स चलाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए हर इंसान को मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। अब इसी मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स वगैरह उनको चलाने में मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। ज्ञान की बात में फिर मिलेंगे अगले दिन और एक नई ज्ञान की बात के साथ। नमस्कार दोस्तों।